For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. Thugs of Hindustan के बाद Mr. Perfectionist की अगली जो फिल्म आएगी वो होगी दोस्तों महाभारत, जिसका जो बजट पता चला है वो 1000 करोड़ का है। मैं हूँ राहुल भोज, पता करूंगा अपनी लाइव ऑडियंस से कि उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, नंबर वन। नंबर टू कि उनकी ड्रीम कास्ट क्या होगी, मतलब कौन प्ले करेगा, अर्जुन कौन प्ले करेगा, युधिष्ठिर कौन प्ले करेगा, कृष्ण। सारी ये बातें लाऊंगा एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई महाभारत। आमिर खान लेकर आ रहे हैं महाभारत। सबसे पहले मुझे बताओ कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है फिल्म को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? एक्साइटमेंट तो है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि क्योंकि आमिर खान जी की मूवी जो है वो हमेशा ही एक दिलचस्प कहानी रहती है, कुछ ना कुछ मोटिव एक कहानी छुपी रहती है उसके अंदर और कुछ इंस्पिरेशनल रहती है। एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो मूवी ऑन फ्लोर आए और जल्दी से जल्दी और हम उसको देखें और लुत्फ़ उठाएं उस मूवी का। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग क्योंकि वो अपने लाइफ के सुनने में आए 10 साल दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है एक एक्टर के लिए 10 साल देना। और वो परफेक्शनिस्ट है, उनके ऊपर हम लोग की निगाहें तो लगी रहती क्योंकि हम लोग भी एक्टर की। फॉर महाभारत आई रियली लाइक टू सी अजय देवगन प्लेइंग एनी रोल, मे बी युधिष्ठिर यू कैन से यस। सो आई थिंक महाभारत इज प्रीटी मच वन ऑफ द मोस्ट spoken about things in Indian history and bringing it out to any audience is fantastic. Hum sabko janna chahiye ki Mahabharat mein actually kya hua, and if you put it on a big screen sabko acha lagega and bahut acha education bhi banega bachchon ke liye, families ke liye, ek bahut acha family entertainer ho sakta hai. Expectations hai, agar Aamir Khan ji bana rahe hai to wo to jab bhi kuch aate hai kuch naya hi leke aate hai aur kuch hatke leke aate hai, jo Bollywood blast Bollywood mein aate to hamesha blockbuster hi karke jaate hai. महाभारत के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये इंडिया की सबसे ह्यूज स्टोरी है एंड इसे देखने के लिए पूरी पूरी देश की जनता बहुत बरकरार है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड स्टार कास्ट इसमें आमिर खान है, द परफेक्शनिस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट महाभारत, इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, इट इज़ अ हिस्ट्री कल्चर का, इंडिया का, इट कैन रिप्रेजेंट इंडिया एंड यू नो इंडियन कल्चर एंड एवरीथिंग, ट्रेडिशंस एंड यू नो वो स्टोरी इतना बड़ा है कि यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल फॉलो दैट एंड यू नो पीपल आर रियली पीपल रियली नो द कैरेक्टर्स। सो अगर हम महाभारत बना रहे हैं और यू नो जैसे कि आमिर खान जी ने यू नो सर ने ऐसे बोला है कि यू नो मैं बना रहा हूँ ये वो, एंड ऑब्वियसली इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाए गए और यू नो ही विल टेक टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक द डायरेक्टर शुड बी राजा मौली who made Bahubali, and if Aamir Khan is there then it's like a cherry on cake, very nothing good, else very nice. हाँ, अगर कुछ ऐसा इंडियन कल्चर के बारे में देखने को मिला तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण के रूप में आप फिल्म में किसे देखना चाहते हैं? कृष्ण में तो एज एन लाइक मुख्य भूमिका है, ये तो एज एन माइथोलॉजिकल एक्टर, मैं भी माइथोलॉजी एक्टर हूँ तो मुझे पता है कि एक मुख्य भूमिका है कृष्ण जी की इसमें महाभारत में, तो आमिर खान जी को खुद को स्वयं करनी चाहिए ये तो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रहता ना एक जान, एक पिलर, एक जो पिलर रहती है, जैसे पिलर है अभी कृष्ण जी का रोल है, कृष्ण जी का रोल जो है वो हमेशा ही एक अलग ही रहा है ना, तो और मुझे लगता है कि अभी के लुक के हिसाब से आमिर खान जी बहुत अच्छा निभा सकते हैं उस किरदार को, क्योंकि उनका तो जवाब ही नहीं है। कृष्णा के आमिर खान तो कोई भी एक्टिंग कर सकता है, मतलब किसी का भी रोल कर सकते हैं, लेकिन आई गेस अगर कृष्णा खाली रूप देखा जाए जो गोपियों से भरे रहते थे तो आई गेस इमरान हाशमी को मिल सकता है। मैं कृष्णा के लिए तो आमिर खान को ही देखना चाहूँगा, आमिर खान, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन हैं वैसे और साथ में वो चलाकीपन भी उनमें, तो वो एकदम जचेगा। कृष्णा ही इज़ अ काम कैरेक्टर और बहुत चालाक है एंड ऑल, सो एंड आई कैन सिंपली विजुअलाइज आमिर खान एज कृष्णा। आमिर खान वही एक बेटर प्ले कर सकते हैं उसको, मतलब कि थोड़ा काम है ऐसा, उस टाइप का नेचर है, डिप्लोमेटिक है थोड़ा बहुत। आमिर खान बिकॉज उसके लिए थोड़ा स्वीट पर्सनैलिटी चाहिए। कृष्णा नो हैंड्स डाउन आमिर खान को ही करना चाहिए, अगर आमिर खान नहीं है तो शाहरुख खान को करना चाहिए। आमिर जो है बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, तो वो जो भी यू नो वट एवर रोल यू गिव हिम कृष्णा एज कृष्णा, आमिर वुड बी ग्रेट बिकॉज ही कैन गेट इनटू एनी रोल, और वो दिखता भी है और पीके में थोड़ा किया भी था थोड़ा सा बहुत कुछ,
तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आमिर नहीं होता तो रणबीर बहुत अच्छा रहेगा। कृष्णा के रूप में तो आमिर एकदम मतलब दम तोड़ वाले ही, मतलब मेरे को तो मज़ा ही आएगा देखने, क्योंकि आमिर खान इस ऐसे एक्टर है जो किसी भी कैरेक्टर में घुस के ना वो रियलिस्टिक दिखा देते कि हाँ कि सच्ची में ये जो आमिर खान नहीं है, जो पर्सनालिटी है, जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनल वही है। आमिर खान तो फिर साइड में सेकंड पर्सनालिटी बन जाते हैं। लाइक सबसे बड़े युधिष्ठर, मैं चाहता हूँ सलमान खान को दे दो, अब सारे खान आ जाए इसमें। क्या बात कर रहे हैं? सारे खान आ जाए। अच्छा, खानों के बाद एक और खान, खानों के बाद एक और खान, एक और खान। Okay. सारे सलमान खान आ जाने चाहिए, क्योंकि एक लगता है एक बड़े कि, हाँ बड़े भाई की तरह लगते हैं और बॉलीवुड के भी बड़े भाई हैं, वो भाई कहलाते हैं, तो बॉलीवुड के भी बादशाह हैं वो। तो शाहरुख खान, हाँ बड़े भाई, हाँ क्योंकि वो सीरियस लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। युधिष्ठिर के लिए आप ले सकते हैं शाहरुख खान, शाहरुख खान जचेंगे उनके ऊपर, क्योंकि एक तो वो थोड़े हैं भी बड़े भी हैं और साथ में उनकी पर्सनैलिटी मेरे को ऐसा लगता है देख के लग रहा है। युधिष्ठिर शुड बी शाहिद कपूर, बिकॉज पद्मावत में उनको देखा जब हमने तो इट वॉज, उन्होंने वैसे ही कैरेक्टर प्ले किया था जो बहुत ही सच वाला है, एंड युधिष्ठिर इज लाइक दैट। संजय दत्त, संजय दत्त बाबा आपने बाबू। प्रभास, प्रभास नाइस यूनिक ऑप्शन है। युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई, आई वुड थिंक यू नो अ गाय लाइक अजय देवगन कैन रियली पुल दैट रोल ऑफ, बिकॉज दैट इंटेंस लुक, that eyes of his really talks, aur wo bahut acche se nibhayega ye role. I would go for Irfan Khan because I think he would be a great pick for Yudhishthir. I think he's a great actor and the kind of intensity Irfan Khan brings, I don't think anybody can bring, and he's very natural. Bade bhaiya can be Jackie Shroff, Ajay Devgan also can be. Why Ajay Devgan? Wohi main jo aapko bola aankhon ka, aur jo unke andar patience hai, jo ek बड़े बड़े भैया मतलब एक एल्डर में होने चाहिए, एक पेशेंस होने चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, वो है उनके अंदर जो मुझे पर्सनली फील होता है। भीम, भीम के लिए मुझे लगता है कि भीम एक खुद में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, लाइक बहुत ब्रॉड एंड बहुत बिल्ट अप, वो कहानी लाइक टॉल वेरी बिल्ट अप, लाइक एक अलग ही दबदबा पड़ता है भीम का। तो मेरे ख्याल से प्रभास को खुद को करना चाहिए, क्योंकि और ये बड़ी दिलचस्प बहुत कहानी रहेगी कि है ना एक जगह है जहाँ पर कृष्ण जी, हाँ इतने बड़े बड़े एक्टर, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट ही डिफरेंट रहती है, जहाँ पे प्रभास और सलमान एंड आमिर जी साथ में सब आ सकते हैं तो लाइक बात ही कुछ निराली रहती है। और प्रभास जी ने तो वैसे ही अपना जलवा बिखेरा हुआ है। प्रभास और राणा, वाह व्हाट अ चॉइस, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा। भीम के लिए सोनू सूद मेरे को लगता है, सोनू सूद की एक तो बॉडी वैसी है और साथ में उनकी पर्सनैलिटी है, वो संभाल सकते हैं, जैसे उनके रोल्स भी रहे हैं जैसे अग्रेसिव टाइप का। भीम शुड बी राणा दग्गुबाती, राणा दग्गुबाती, या वाओ, फिजिक के कारण, फिजिक के कारण, एंड उनको देखा बाहुबली में, उनसे मतलब ग्रैंड है वो। प्रभास या फिर सलमान खान, सलमान खान क्यों, लाइक पर्सनैलिटी होनी चाहिए वैसे भीम जैसी, भीम जैसी, या सलमान खान, सलमान खान, यस नाइस नाइस नाइस। भीम एक्चुअली यू नीड माचो एंड यू नो वो कैरेक्टर इतना बड़ा है, जॉन इब्राहिम जैसा कोई कैरेक्टर कर सकता है, नहीं तो इवन सलमान खान कर सकते हैं कुछ यू नो स्पाइस कुछ ये वो, क्योंकि उनका जो ऑरा है, जो एटीट्यूड है, वो भीम जैसा ही है, माचो है पूरे, तो यू नो सलमान खान। यस देन ऑब्वियसली जॉन इब्राहिम, वी कैन से जॉन इब्राहिम, दैट्स इट फुल स्टॉप, ही इज हॉट। And if Bheem is supposed to be shirtless, then it's John Abraham. You can just like look at him. Bheem के लिए खली तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि bodily wise जाए तो खली खली है। राणा, 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 राणा जो राणा। Why राणा? He's huge and उनका character जाता है बाहुबली, मतलब बाहुबली यानी Bheem is very big. Bheem का character हमें जैसे history में हमें बताया गया, हमेशा हमने पढ़ा है schools में, और हमने वैसे भी देखा है वीडियोस में जो पहले दूरदर्शन पे आती थी महाभारत, तो हमेशा भीम सारे भाइयों का अलग करेक्टर था, भीम एक डिफरेंट ही अलग करेक्टर थे जो मतलब सुपर पावर वाले होते हैं। Exactly. तो इसीलिए उनका मतलब विजन देखा जाए तो राणा इज़
अर्जुन के कैरेक्टर में मैं सोचता हूँ एक अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय एक क्षत्रिय, और जहाँ तक कि मैं भी हाँ धनोधारी एक और क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि जब मैं भी माइथोलॉजी के काफ़ी करता रहता हूँ तो उसमें भी आता है कि यार अर्जुन पुत्र इज़ लाइक क्षत्रिय का पुत्र है, एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता है। तो अर्जुन मेरे ख्याल से रणवीर सिंह को करना चाहिए, क्योंकि रणवीर सिंह एक पर्सनालिटी है, हाँ, क्योंकि उसने बाजीराव मस्तानी एंड रामलीलाएँ जो इनमें जो भूमिकाएँ निभाई हैं उन्होंने, तो वो लगता है कि हाँ एक क्रेज है, कुछ है बंदे में कि वो जो युद्ध पे निकलता है, तो और क्षत्रिय का तो एक रूल रहता है कि जो युद्ध के मैदान में हार जाए तो वो युद्ध करने के योग्य, क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं है। तो रणवीर सिंह तो बादशाह है तो हारते ही नहीं हो, तो कहीं अर्जुन के लिए रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, हाँ ओके, रणबीर कपूर। कपूर क्यों? रणबीर कपूर मेरे हिसाब से बहुत अच्छे एक्टर हैं और मेन उनका महाभारत में रोल है, तो मेरे को लगता है कि रणबीर कपूर। अर्जुन के लिए ऋतिक रोशन या रणबीर सिंह, बिकॉज उनके ऊपर लुक काफ़ी अच्छा लगेगा वो। इफ इट्स मोर ऑफ एक्टिंग देन आई वुड प्रिफर रणबीर कपूर, एंड इफ इट्स मोर ऑफ एक्शन और समथिंग देन विद्युत जानवाल, ही इज वेरी गुड इन एक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अर्जुन शुड बी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह टोटली, व्हाई रणवीर सिंह? बिकॉज अर्जुन इज द लीड कैरेक्टर आई गेस, एंड अगर हम महाभारत जैसे देखते हैं और मतलब ही एब्जॉर्ब्स द कैरेक्टर, एंड आई गेस ही वुड प्ले अर्जुन द बेस्ट फॉर हिम। वी कैन इवन सजेस्ट शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, यस, नाइस चॉइस। अर्जुन वुड बी रणवीर सिंह फॉर मी बिकॉज ही इज द परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट राइट नाउ। ही इज he can do any role very well and he's very focused, so when I think of bow and arrow I think it would be Ranveer Singh. Arjun can be Ranveer Singh. Why? Mujhe bahut logon ne bola Ranveer Singh, because Arjun bahut hi different character tha aur uska bahut hi different role tha Mahabharat ke andar, jitna maine padha hai dekha hai, ek Arjun hi tha jo puri Mahabharat palat deta tha matlab, aur uska ek character alag hai, aur I think Ranveer Singh, Arjun I guess Shahid aur Ranveer, एक चूज करो, या तो शाहिद या तो रण। शाहिद, व्हाई शाहिद? पता नहीं, मुझे शाहिद ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। रणवीर इज क्वाइट वर्सेटाइल, बहुत अच्छे है, ऑब्वियसली एक्टिंग सबको पसंद आती है। नकुल एंड सहदेव, सबसे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, एक काम कर दो फिर इनको रणवीर कपूर को दे दो सबसे छोटे भाई, और नकुल सहदेव राजकुमार राव नकुल, या मैं चाहता हूँ पैरेलल सिनेमा के एक्टर और कमर्शियल सिनेमा एक साथ चले तो बहुत सही लगेगा पिक्चर। कौन कौन? जैसे राजकुमार राव साथ में शाहरुख खान हो, रणबीर कपूर हो, तो एक तो फिर वरुण धवन। अच्छा, एक वरुण धवन, एक राजकुमार राव। नकुल शुड बी राजकुमार राव। राजकुमार, और सहदेव? सहदेव शुड बी अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर, एक तो आयुष्मान खुराना एंड वरुण धवन। वरुण धवन एंड आयुष्मान, वरुण एंड राजपूत, सुशांत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत। ओके ओके, नकुल सहदेव दोज कैरेक्टर विल बी गुड इन सपोर्ट, सो यू नीड अ गुड एक्टर लाइक राजकुमार राव, यू नीड वरुण धवन, काइंड ऑफ पीपल यू नो हु आर वेरी गुड विद एक्टिंग, हु लुक लुक्स यू नो गुड फॉर द कैरेक्टर एंड स्टफ लाइक दैट, सो दे आर गुड, दे आर गुड। मे बी यू कैन थिंक अबाउट अक्षय कुमार एंड द गाय Siddharth, yes. They both look actual brother. Okay, yes. As I think it would be Rajkumar Rao and probably, I don't know, with Rajkumar Rao, I could see a theater actor. Rajkumar and Nawazuddin would be a very good idea, because both are subtle actors, both have theater backgrounds, and as brothers, I think they will play good bade chota bhaiya, yes. बर्फी मूवी में भी जो रणबीर कपूर के साथ उसमें जो पुलिस वाले होते हैं, सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला, सौरभ, इफ ही कैन वेट लूज देन दे बोथ दे दे द बोथ कैन दे बोथ जो नवाजुद्दीन एंड सौरभ शुक्ला का, नकुल सहदेव, आई विल गिव माय वोट फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड जो रन मूवी में एक कॉमेडियन एक्टर था ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विजय राज दे बोथ कैन डू इट आई गेस। वाओ, मेरी लाइव ऑडियंस ने बता दिया कि कौन प्ले कर सकता है पांच पांडव और कृष्णा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपका है दोस्तों, मुझे लिखकर जरूर बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि चैनल बॉलीवुड स्पाई आप लोगों का चैनल है। हाँ, और एक दूसरा चैनल भी है जो कि आपका हो सकता है, जिसका नाम है
फिल्मी यारा, FILMY फिल्मी यारा, YAARA फिल्मी यारा में जाकर आप अपने इस होस्ट राहुल भोज की और वीडियोस को देखकर एंटरटेनमेंट का और डोज ले सकते हैं। नाम बता दिया राहुल, विद कैमरामैन दीपेश।